दोस्तों, आज की कहानी लीना नाम की एक 30 साल की डॉक्टर पर आधारित है, जो कि अपने हस्बैंड के साथ अपने फिजिकल रिलेशनशिप से सेटिस्फाइड नहीं है। दोस्तों, बात इतनी सिंपल भी नहीं है। दरअसल लीना को अपने हस्बैंड के अफेयर्स के कुछ क्लूज मिलते हैं, जिसकी वजह से लीना भी अपने हस्बैंड के पीठ पीछे उसे चीट करने लगती है। मगर एट दी एंड कुछ ऐसा होता है जो उसने कभी सोचा नहीं था। तो चलिए जानते हैं इस मूवी की कंप्लीट स्टोरी के बारे में, जिसका नाम है फिडेलिटी। तो कहानी शुरू होती है लीना नाम की एक औरत को दिखाते हुए, जिसके चेहरे के हाव भाव से पता चल रहा है कि वो अपने लाइफ से खुश नहीं है। कुछ देर बाद हम उसे अपने लैपटॉप पर कुछ काम करते हुए देखते हैं कि तभी उसके पास उसका पति सर्गेई आता है। अब वो लीना के सामने अपने काम के लोड का रोना रोने लगता है। वो लीना को बताता है कि फिलहाल वो जिस थिएटर में काम करता है, वहां के डायरेक्टर ने पूरी तरह से उसकी और उसके साथी एक्ट्रेस की ले रखी है। अब मोटिवेट करते हुए लीना सर्गेई से कहती है कि शायद तुम दोनों में पोटेंशियल और कैपेबिलिटी कुछ ज्यादा है, इसलिए डायरेक्टर तुम्हारे लिमिट्स को पुश कर रहा है। सर्गेई रिप्लाई देता है, पता नहीं वो क्या चाहता है। अब ये सब बातें करने के बाद सर्गेई कहता है कि अब मैं सोने जा रहा हूँ, और फिर वो लीना को एक किस देकर सोने चला जाता है। मगर यहाँ सर्गेई अपना फोन लीना के पास ही भूल जाता है, इसलिए जब सर्गेई वहां से चला जाता है, तब जल्दी से लीना सर्गेई का फोन चेक करती है, और वो देखती है कि सर्गेई और वो फीमेल एक्ट्रेस जिसका नाम है काटिया, दोनों के बीच काफी नोटी नोटी बातें चल रही है। ये सब देखने के बाद लीना के मन में शक का बीज पैदा हो जाता है, और वो सोचती है कि कहीं उसका पति उसे चीट तो नहीं कर रहा है। मगर लीना ये बात डायरेक्ट सर्गेई से नहीं पूछती है, वो बस इस टॉपिक पर ओवरथिंक करने लगती है। लीना सोचती है कि उसका फिजिकल रिलेशन सर्गेई के साथ कुछ खास नहीं चल रहा है, और ये भी एक कारण हो सकता है कि सर्गेई उससे दूर होता जा रहा है। मगर दोस्तों, यहां मैं आपको बता दूं कि लीना में जोश की कोई कमी नहीं है। असल में लीना तो इंटीमेट होना चाहती थी, मगर सर्गेई ही बार बार उसे दूर भगा रहा है। अगले दिन हम देखते हैं कि सर्गेई सुबह रेडी होकर अपने काम पे जाने की तैयारी कर रहा है, और तभी लीना उसे कहती है कि चलो आज मैं तुम्हें अपने कार से थिएटर ड्रॉप कर देती हूँ। सर्गेई रिप्लाई देता है, नहीं, आज मैं वॉक करके जाना चाहता हूँ। लीना फिर से उसे फोर्स करती है ताकि सर्गेई उसके साथ चले, मगर सर्गेई अगेन उसकी बात को टाल देता है और वो रेडी होकर अपने काम पर निकल जाता है। फिर जब सर्गेई बिल्डिंग से निकलकर काम पर जा रहा होता है, तब लीना खिड़की से उसे देख रही होती है, और वो देखती है कि रोड पर कुछ कदम चलने के बाद सर्गेई के पास एक व्हाइट कलर की कार आती है, और वो उसमें बैठकर चला जाता है। ये देखने के बाद लीना अब कन्फर्म हो जाती है कि हो ना हो, उसका पति उसे चीट कर रहा है। अब आगे हम देखते हैं कि लीना इस टॉपिक के ऊपर बहुत गहराई से सोचती है, और जब वो काम करने के बाद घर जा रही होती है, तब रास्ते में उसे एक क्लब दिखता है, और वो थोड़ा मन हल्का करने के लिए वहां रुक जाती है। अब क्लब में आने के बाद लीना कुछ देर तक ये सोचती है कि जब सर्गेई उसके पीठ पीछे चीट कर सकता है, तो वो क्यों नहीं कर सकती। ये सोचने के बाद लीना क्लब में ही एक नौजवान लड़के को पटाती है, और फिर वो दोनों एक होटल में जाकर इंटीमेट होते हैं। अब दोस्तों, इस सीन के दौरान हम नोटिस करते हैं कि लीना को शारीरिक संबंध बनाने में नहीं, बल्कि इस चीज में ज्यादा मजा आ रहा है कि अब वो उसके पति की तरह चीट कर रही है। यहाँ सीन कट होता है, और एक दिन हम देखते हैं कि लीना सर्गेई का एक थिएटर शो देखने आई है, और इस प्ले में कुछ ऐसी सीन्स है जिसमें सर्गेई को अपने फीमेल एक्टर काटिया को किस करना है। और जब वो दोनों प्ले के दौरान एक दूसरे को किस करते हैं, तब लीना की जेलसी बढ़कर आसमान छूने लगती है। प्ले खत्म होने के बाद जब सभी लोगों का घर जाने का टाइम होता है, तब लीना जानबूझ के काटिया को इंसिस्ट करती है कि वो भी उनके साथ चले, वो उन्हें घर ड्रॉप कर देंगे। शायद वो ये देखना चाहती है कि सर्गेई अपने वाइफ के साथ रहते टाइम काटिया को कैसे हैंडल करता है। काटिया उनके साथ चलने के लिए रेडी हो जाती है। अब इसके बाद अगले दिन भी लीना चुपके से सर्गेई को फॉलो करने लगती है, और वो देखती है कि सर्गेई और काटिया अकेले में एक साथ घूमते हैं, जिससे लीना का शक और भी मजबूत हो जाता है। अब इस दौरान हम देखते हैं कि लीना का जलन इस कदर बढ़ जाता है कि फिर से वो एक सड़क चलते अनजान आदमी से संबंध बनाती है, ताकि उसे इस बात का सेटिस्फेक्शन मिल सके कि वो भी सर्गेई के साथ लॉयल नहीं है। मगर इस बार इंटीमेट होने के दौरान लीना और उस अनजान आदमी को पुलिस पकड़ लेती है, क्योंकि वो बीच के पास खुले में इंटीमेट हो रहे थे। पुलिस को देखते ही वो आदमी खड़ा हो जाता है और वहां से भाग जाता है, मगर लीना ये नहीं कर पाती, और तब पुलिस वाले उसे पकड़कर पूछताछ करने के लिए अपनी कार में ले आते हैं। अब लीना को यहाँ इस बात का डर लग रहा था कि शायद वो लोग उसे पुलिस स्टेशन ले जाएंगे, और तब सबको इस बात का पता चल जाएगा कि उसने एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखा है। मगर यहाँ पुलिस उसे बताती है कि कुछ दिनों बाद उसके घर पर लॉ वायलेशन का एक चालान आएगा, जिसे उसे भरना है, और इसके अलावा उसे कुछ नहीं करना। फिर जब पुलिस चालान काटने के लिए उसे उस आदमी का डिटेल्स मांगती है जिसके साथ वो इंटीमेट हो रही थी, तब लीना उन्हें बताती है कि वो उसे नहीं जानती, और इस बात पर पुलिस वाले उसका काफी मजाक उड़ाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि लीना थोड़े गुस्से में है, और वो सर्गेई से अच्छे से बात नहीं कर रही। इस बात को ध्यान में रखते हुए सर्गेई समझ जाता है कि अब उसे अपने काम से हटकर थोड़ा टाइम निकालना होगा। फिर सर्गेई लीना से प्रॉमिस करता है कि कुछ दिनों में वो अपने काम से कुछ दिन छुट्टी लेगा, और फिर वो दोनों मिलकर एक वैकेशन प्लान करेंगे, ताकि वो अपने रिलेशन को और भी मजबूत बना सके। अगले दिन हम देखते हैं कि लीना हॉस्पिटल में है, और वो अपने एक पेशेंट की ट्रीटमेंट कर रही होती है। इस दौरान लीना के पास निकी नाम की एक लेडी आती है, जो कि प्रेग्नेंट है,
निकी वो लेडी है जो कि शुरुआत से ही लीना से अपने ट्रीटमेंट करवा रही है ताकि उसका बच्चा स्वस्थ पैदा हो। अब यहाँ दोस्तों स्टोरी में एक ट्विस्ट आता है। आज निकी अपने हस्बैंड के साथ हॉस्पिटल आई है और ये आदमी और कोई नहीं बल्कि वही अनजान आदमी है जिसके साथ संबंध बनाते टाइम पुलिस ने लीना को पकड़ लिया था। लीना के हस्बैंड का नाम वादिम है और जब वादिम और लीना एक दूसरे को देखते हैं तब दोनों ही अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। फिर कुछ देर बाद वादिम चुपके से लीना के केबिन में उसे मिलने आता है और वो लीना से अपने किए की माफी मांगता है क्योंकि उस रात वो मौका पाकर भाग गया था। फिर वादिम धीरे धीरे लीना की तरफ बढ़ता है और वो जबरदस्ती लीना के साथ दोबारा इंटीमेट होने की कोशिश करता है मगर लीना अब ऐसा कुछ नहीं करना चाहती है, इसलिए वो वादिम को धक्का मारकर वहां से हटा देती है और उसे केबिन से निकल जाने के लिए कहती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दिन आ गया था जब सर्गेय ने अपने काम से छुट्टी ले ली है और फिर सर्गेय और लीना ड्राइव करते हुए बीच पर छुट्टी मनाने जा रहे हैं। अब ड्राइव करने के दौरान लीना को वादिम के कुछ मैसेजेस आते हैं जिसमें उसने कुछ अश्लील पिक्स को सेंड किया है। अब इन मैसेजेस को देखकर लीना थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती है क्योंकि फिलहाल वो अपने हस्बैंड के साथ है और अगर उसे इन सब चीजों की भनक तक लग गई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। फिर सीन कट होता है और हम लीना और सर्गेय को बीच के किनारे एंजॉय करते हुए देखते हैं और यहाँ बातें करने के दौरान लीना सर्गेय से पूछ ही लेती है कि चलो बताओ हमारे फिजिकल रिलेशन पहले की तरह क्यों नहीं है, क्यों तुम अब पहले की तरह इंटीमेट होने में इंटरेस्ट नहीं दिखाते। इस सवाल के जवाब में सर्गेय कहता है कि आजकल मुझे तुम्हारे अंदर वो वाइब्स नहीं आ रही है जिसे पता चले कि तुम कुछ करना चाहती हो। मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तुम बस हमेशा मुरझाई सी रहती हो, इसलिए मेरा मानना है कि डिसअपॉइंटेड रिलेशनशिप बनाने से अच्छा है कि हम तब तक कोई फिजिकल रिलेशन ना बनाए जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती। अब डिसअपॉइंटेड रिलेशनशिप वाली बात सुनते ही लीना सर्गेय पर उखड़ जाती है और कहती है कि तुम कौन से मुझे हमेशा पॉजिटिव वाइब्स देते हो जिससे मुझे पता चले कि तुम कुछ करना चाहते हो, कहीं तुम्हारा बाहर किसी से चक्कर तो नहीं चल रहा है। अब चक्कर वाली बात सुनते ही सर्गेय कुछ पलों के लिए सोच में पड़ जाता है और कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर लीना सीधा सीधा उसे पूछ लेती है कि क्या तुम्हारा चक्कर कातिया से चल रहा है और कातिया का नाम आते ही सर्गेय समझ जाता है कि लीना उसे जेलस फील करती है इसलिए उस पर शक कर रही है। सर्गेय लीना से कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर लीना उसे बताती है कि मैंने तुम्हारी और कातिया की नोटी चार्ट्स को पढ़ा है, अब बताओ तुम इस बारे में क्या कहोगे। अब इस बात पर सर्गेय लीना से क्लियरली कहता है कि अगर मेरा कोई चक्कर कातिया के साथ चल रहा होता तो मैं अपने फोन को लॉक करके रखता ताकि तुम मेरी प्राइवेसी में दखल ना दे पाओ, मगर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है क्योंकि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ और कातिया मेरी एक अच्छी दोस्त है इसलिए वो हंसी मजाक में मुझे अजीबोगरीब मैसेज भेजती रहती है जिसका तुमने गलत मतलब निकाल दिया। अब यहाँ लीना को एहसास होता है कि उसने तो बेवजह ही अपने पति पर शक कर लिया था और फिर वो सर्गेय से माफी मांगते हुए अपने डिस्प्यूट को खत्म कर देती है। मगर अब आगे लीना को ये एहसास होता है कि उसने जेलसी में बहुत सारे ऐसे कांड किए हैं जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती है और साथ ही उसने अनजाने में सर्गेय को धोखा भी दिया है। अब कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि लीना को सैटिस्फाई करने के लिए सर्गेय काम से छुट्टी लेकर उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाता है और इतने दिनों के बाद सर्गेय की हुई मेहनत सफल होती है और लीना सैटिस्फाई हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लीना को अपने केबिन में देखते हैं। आज निकी रोते हुए गुस्से में लीना के पास आती है और उस पर चिल्लाने लगती है क्योंकि उसे अपने हस्बैंड के फोन से लीना और वादिम के बीच हुए कांड के बारे में पता चल गया था। लीना निकी को समझाती है कि मैं तुम्हारे हस्बैंड के साथ इंटीमेट हुई थी मगर उस टाइम मुझे ये नहीं पता था कि वो तुम्हारा हस्बैंड है, वरना मैं ये कभी नहीं करती। निकी कहती है कि तुम तो शादीशुदा हो फिर तुम्हें कहीं और मुंह मारने की जरूरत क्यों पड़ गई। अब लीना अपने साथ चल रहे मैटर के बारे में निकी को तो नहीं बता सकती मगर फिर भी वो आसान भाषा में निकी को रिलैक्स करने की कोशिश करती है मगर फिर भी कोई फायदा नहीं होता। निकी लीना को धमकी देती है कि जिस तरह से लीना ने निकी की मैरिड लाइफ को बर्बाद किया है उसी तरह निकी भी लीना की मैरिड और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को बर्बाद कर देगी। इसके बाद हम देखते हैं कि लीना भागते हुए अपने घर जा रही है और वो घर पहुंचकर देखती है कि सर्गेय पूरी तरह से नशे में धुत है और लीना के घर में आते ही सर्गेय उसके साथ मिसबिहेव करने लगता है। सर्गेय ऐसा इसीलिए कर रहा था क्योंकि उसे लीना के सारे कांड के बारे में पता चल चुका है। निकी ने लीना के किए हुए सारे कांड को हर जगह ऑनलाइन पब्लिश कर दिया है और सिर्फ सर्गेय ही नहीं अब पूरे टाउन को लीना के बारे में पता चल चुका है। लीना सर्गेय को सफाई देने की कोशिश करती है उसने ऐसा क्यों किया मगर सर्गेय को पूरी कहानी सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो उसे बहुत बुरा भला सुनाता है और उसे अश्लील सवाल पूछ के उसे काफी एम्बरेस भी फील करवाता है। लीना अब समझ चुकी है कि सर्गेय के साथ उसका रिलेशन यहीं तक है और ये बात सोचकर वो बहुत दुखी हो जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि अब मूव करने के लिए लीना हॉस्पिटल में रिजाइन करने जाती है और तभी कुछ देर बाद वहां सर्गेय भी आ जाता है और वो लीना से बात करने के लिए उसे अकेले में बुलाता है। फिर यह सडनली सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि लीना और सर्गेय लिपट कर बैठे हुए हैं जिसे हमें पता चल रहा था कि सर्गेय ने लीना को माफ कर दिया है और अब वो दोनों एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। इसके बाद हम उन दोनों को कार से ट्रैवल करते हुए देखते हैं और इस दौरान सर्गेय लीना से पूछता है कि क्या अब भी तुम्हारे मन में उन लोगों के लिए कोई फीलिंग्स है। लीना फ्रस्ट्रेट होकर कहती है कि सर्गेय अब मैं इस बात का कोई जवाब नहीं देना चाहती क्योंकि हमें न्यू स्टार्ट के लिए इस मुद्दे को खत्म करना होगा।
सर्गे कहता है कि मैं तुम्हें ह्यूमिलिएट नहीं करना चाहता, ये तो बस ह्यूमन नेचर है और बस एक क्यूरियोसिटी की वजह से मैं ये बात जानना चाहता हूँ। अब इस बात पर लीना म्यूजिक सिस्टम की आवाज को बढ़ा देती है ताकि शोर की वजह से वो दोनों आपस में कोई बात ना कर पाए। और फिर यहाँ भी सीन कट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि लीना बस में अकेली ट्रैवल कर रही है और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद वो और सर्गे एक साथ अब नहीं है। और इसी सस्पेंस के साथ दोस्तों ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो ये थी फिडेलिटी की पूरी कहानी। उम्मीद करता हूं कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। अगर पसंद आए तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशंस लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे सेफ एंड टेक केयर।